चलो छुपने की जगह ढूंढे। डिंग डिंग। इस पेड़ से फिसल जाते हैं, इसलिए वार्निंग के लिए क्रॉश कर देता हूँ। ये क्या चीज है? ये निंजा मैप है। निंजा मैप? हाँ, निंजा के लिए बहुत जरूरी है कि वो जिस शहर में रह रहा है उसे अच्छी तरह जाने, इसलिए हम मैप पर अलग अलग निशान बना रहे हैं। हाँ, ये उल्टी पतंग का निशान किस लिए है शिंजो? यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा है ना, तो स्टार उड़ाने वाली टेक्निक नहीं यूज कर सकते। और यहाँ ये हड्डी का निशान किस लिए है? ये मेरा छुपने की जगह के लिए है। और यहाँ ये गोल निशान किस लिए है? ये तो मुझे नहीं पता, भले भाई ने लगाया है। हाँ, उनके छुपने की जगह होगी। हाँ? अगर ये सच है कि हथौड़ी के पास छुपने की दो तीन जगह है, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो। काम बन गया। वहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी? शायद वहाँ पर बहुत सारा निंजा का सामान होगा। वहाँ चॉकलेट रोल या दूसरी खाने की चीजें होंगी। शिशी मानो, तुम्हें खाने के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन क्या इस तरह की कोई जगह शहर में सच में है? भले भाई ने इसे सीक्रेटली बनाया होगा। चलो चलकर देखते हैं। मैं भी चलूंगा। वहाँ वहाँ वो वाला पेड़, तुम्हें लगता है यहीं छुपने की जगह है? हाँ, मुझे शक है कि हथौड़ी ने उसे यहीं बनाया होगा। चढ़कर देखते हैं। कितनी घनी छुपने की जगह, निंजा छुपने की जगह। बच गया बैंड। चलो दूसरी जगह। आखिरकार हमने छुपने की जगह देख ली। मुझे लगता है यही जगह होनी चाहिए। हाँ, ये है छुपने की जगह। काफी अच्छी जगह लगती है। बड़ी अजीब है, थोड़ी डरावनी है। बाल बाल बच गए हम तीनों। पता नहीं ऐसी जगह है भी या नहीं। मैप के हिसाब से अगली जगह यही होनी चाहिए। वो क्या है? ये तो राफ्ट है। हाँ, मैं समझ गया। अगर दुश्मन हमला करे तो ये घंटियाँ बजने लगती है, फिर हमें उस राफ्ट को लेकर उस छुपने की जगह तक पहुँचना है। सही कहा। ये रे, ये। चलो मैं कुछ मदद करूं क्या तुम्हारी? हमें ईगा छुपने की जगह पता चल गई है। भले भाई को पता चल गया कि हमाला भी इस जगह के बारे में जानता है, तो खुश हो। तुम लोग उतरो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो तैर कर चलते हैं और हम हथौड़ी के छुपने की जगह ढूंढ लेंगे। तुम सब आखिर क्या कर रहे हो? मेरी छुपने की जगह के बारे में क्या बोल रहे थे, बताओ मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो इनसे ही पूछो। ये सब चक्कर क्या है शिंजो, शिशिमानो, केनिची? दिखा दो शिंजो। ये किसी छुपने की जगह के निशान वगैरह नहीं है। तो फिर ये क्या है हथौड़ी? ये सब जानवर और पक्षियों के घरों के निशान हैं, जहाँ नए बच्चों ने जन्म लिया है। निंजा फूलों और जानवरों से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर ये घंटियाँ क्यों लगा के रखी है? ओ अच्छा, घंटियाँ, इनके बारे में तो मैं भूल ही गया था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक हैं, इसलिए मैंने ये घंटियाँ यहाँ पर लगाई थी ताकि मैं सावधान रहूँ। अगर तुम राफ्ट से झील पार करते हो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मुलाकात इन मेंढकों से होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो गई। तुम्हें अब भी लगता है कि छुपने की कोई जगह नहीं है?
ये लो बच्चों गर्मा गर्म सूप। अरे हथौड़ी कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद हथौड़ी रात की ट्रेनिंग कर रहा होगा। इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे छुपने की जगह मैप पर है या नहीं, क्योंकि मेरे छुपने की जगह ये है। आज का दिन बहुत भागदौड़ भरा रहा, पर निंजा हमेशा अपना काम खुद ही करता है। डिंग 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 डिंग। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर मुझे शांति और आराम मिलता है। होगी? अगर बात हथौड़ी की है तो उसके छुपने की कोई ना कोई जगह जरूर होगी। चलो क्यों ढूंढते हैं, चलो। थोड़ा सा आराम करने से नया काम करने के लिए ढेर। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले। वार तेरे बिना
किसको पड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार से कुछ भी गहरा नहीं।